It's great. I mean, it's time that we feel like equals to all of you, and it's really, really beautiful because Lux has been an extremely important brand in the country when it comes to beauty and women, and it's been there for so long. And all of us, while growing up, have really, you know, seen people and seen these yesteryear heroines who've been the faces of Lux. And today I get to interview them and spend some time with them in my beautiful booth right here. And it's really, really nice. And I'm hosting something for the red carpet, yeah. अब लक्स हमें जैसे पता है बहुत ही फ्रेग्रेंस जो इनका इसका होता है बहुत खूबसूरत होता है और बहुत डिस्टिंक्ट होते हैं इनके फ्रेग्रेंसेस. तो वी आर डूइंग समथिंग फन विथ द डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस दैट लक्स हैज एंड या वी आर जस्ट टॉकिंग टू पीपल अबाउट देयर आइडिया ऑफ ब्यूटी एंड व्हाट लक्स हैज़ बीन इन देयर लाइव्स. एंड वी हैव दीज गॉर्जियस वुमेन दैट आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग. And I'm really looking forward to actually interviewing them and spending some time with them. Main akeli kafi hu. Itna bada isse aur ek dress ban sakta hai is trail se. ye banaya hai stylist to Shrija Rajgopal hai, but ye designer Swapnil Shinde hai. उन्होंने बनाया है ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस एंड आई नेवर रियली वोन एनीथिंग दिस प्रिंसेस सी यू नो सो इट्स क्वाइट प्रिटी एंड स्पेशल. हाँ तो ऑफ कोर्स आई एम आई कुड फ्लाई एक्चुअली नॉट राइट नाउ लेटर. ओह या मेरे पास तो पैसे नहीं है क्या करूँ. ऑटो के भी पैसे नहीं है, खाने पीने के पैसे नहीं है, तो किसी के पास भी नहीं है शायद. आप लोग कैसे आए मैं जानना चाहती हूँ. तो ये एटीएम के बाहर और बैंकों के बाहर बहुत सारा ऐसे लाइन, बहुत लंबे लंबे क्यूज है. मैंने पढ़ा कहीं पे दो लोग गुजर गए ऐसे एटीएम लाइन पे. इट्स आई थिंक इट विल टेक अ वाइल फॉर द इकोनॉमी टू स्टेबलाइज, बट इट्स अ वेरी वेरी बोल्ड मेजर दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन एंड होपफुली इट विल बी गुड in the long run. Let's see. Thank you. Have fun, guys. Something which shows that I'm really excited. Oh, okay. Hi. Okay. Okay. हाँ तो I think unfortunately वो co-host मैं ही हूँ. घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, but yeah, मैं ही हूँ. नहीं नहीं आप ज्यादा बोल रहे हो, मुझे पता है ऋत्विक इतनी तारीफ कभी नहीं करता है मेरी. हम दोनों यहाँ पे रेड कार्पेट होस्ट कर रहे हैं आज, और खूबसूरती के बारे में है आज का इवेंट.
विमेन की खूबसूरती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग आएंगे और काफ़ी मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इट इज़ काइंड ऑफ अ ट्रिब्यूट, बट कुछ ऐसा लाइक सीरियस नहीं है। इट इज़ समथिंग जो सब सेलिब्रेट करेंगे, काफ़ी लाइट है एंड यू नो इट इज़ ऑल हैप्पी। बस एक औरत की खूबसूरती सेलिब्रेट कर रहे हैं सब। जो काफ़ी टाइम से टिकी हुई है, इम्पैक्ट आई थिंक एकता कपूर। इससे ज़्यादा बेटर एग्जांपल मैं क्या दे सकती हूँ। इतने टाइम से वो टीवी को यू नो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और अभी तक उनका जो चार्म है टेलीविज़न में वो ख़त्म नहीं हुआ है और इंशाल्लाह कभी ख़त्म भी ना हो। बिकॉज या एक्ट्रेसेस में देखे जाए तो जेनिफर मेरी फेवरेट है, बिकॉज काफ़ी टाइम से है वो टेलीविज़न में और अभी भी उनके लिए इतना क्रेज़ है। उनके शोज़, आई लव वॉचिंग अ शोज़ एंड शी इज़ सो प्रिटी। आई थिंक कम्प्लीट पैकेज है जेनिफर। थैंक यू, आप मेरी थोड़ी ज़्यादा तारीफ़ कर देते हैं वैसे कभी कभार, बट हाँ मतलब मेरे हिसाब से जेनिफर है, आपके हिसाब से मैं हूँ, तो थैंक यू सो मच। मेरी ड्रेस, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल इवनिंग गाउन बनाया मेरे फ्रेंड सूर्या ने मेरे लिए और हाँ बिकॉज लक्स के बारे में है तो ऑफकोर्स इट्स पिंक। खुद के लिए फ़िलहाल तो मैं ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है, बट हाँ ऐसे ही चलता रहे। होस्टिंग में भी मैं घुस चुकी हूँ, डांस तो कब से शुरू कर चुकी हूँ एंड कोई अच्छा शो मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल डू। अवार्ड्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी आर्टिस्ट के लिए? अवार्ड्स आई थिंक अवार्ड्स मायने रखते हैं, काफ़ी हद तक मायने रखते हैं, लेकिन मैं कभी उस अवार्ड्स के लिए इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हुई कि ओ शिट मुझे अवार्ड नहीं मिला। तो हाँ मतलब जब पवित्र रिश्ता कर रहे थे हम लोग तो काफ़ी अवार्ड्स जीते हैं, बट आई एम ओके विद इट। मतलब हाँ ऑफकोर्स मायने रखते हैं, इट इज़ लाइक यू नो आप जब काम कर रहे तो एक मोटिवेशन मिलता है आपको अवार्ड से। आई थिंक जब ये दो साल ख़त्म होने वाले होंगे तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, मतलब ऑफकोर्स पता चलेगा लेकिन बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ हो जाएगा जब भी होगा, बट हाँ अभी दो साल और। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, जब ऐसा दिमाग में आएगा कि चलो कर लेते हैं तो बता देंगे हम। जी हाँ मुझे होस्ट करने दो ना। थैंक यू थैंक यू। हज़ार का छुट्टा अभी तक तो फिलहाल मुझे ऐसी कुछ आई नहीं है ज़रूरत। जो भी शॉपिंग कर रही हूँ मैं सीधा सुपर मार्केट में जाके कार्ड से कर रही हूँ, तो लकीली मतलब वो बैंक के जो इतने लंबे लंबे क्यू सुबह सुबह देखने को मिलते हैं तो वहाँ जाने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। मतलब आई नो कि वो जो परेशानी लोगों को हो रही है वो मैं फ़िलहाल नहीं महसूस कर पा रही हूँ, तो शायद मैं ज़्यादा कुछ ना ही बोलूँ तो अच्छा है, बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप। और जितने भी ब्लैक मनी रखने वाले हैं, ये जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं ये थोड़ा कम होगा एंड थोड़े दिन की परेशानी है ऑफकोर्स, बट आई थिंक इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ कंट्री। ओके, और क्वेश्चन पूछोगे आप? जी हाँ, I'll call him. Thank you, bye. Okay. Yeah.
Thank you. Lots of beautiful people. Women are beautiful. They make movies look beautiful. And I'm just glad that I'm part of Indian cinema. Sometimes it feels like a dream, and I'm happy that I'm an actress telling stories in Indian cinema. And it's a pleasure being here. I performed in two songs. One is Ek Do Teen and the other one is Piya Tu Ab To Aaja. So yeah. Hanji? अच्छा लगता है किसी अब जब आपको आपको अवार्ड मिलता है एप्रिसिएशन मिलती है अच्छा लगता है और इट्स अ गुड फीलिंग हाँ जी ऑफकोर्स मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ मेरे ख्याल से हमारी पूरी पूरा भारत है शी इज़ ब्यूटिफुल शी इज़ स्टनिंग और जब वो डांस करती हैं तो उनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं लगता और जो दूसरा गाना है पिया तू अब तो आजा आई मीन उनकी हेलन की हेलन जी की कितनी तारीफ करें उतनी कम है उनकी अदाएँ और उनके जो डांस मूवमेंट्स इतने सुंदर हैं कि एक तो उन्हें कोई दोनों को कोई कॉपी नहीं कर सकता आई हैव जस्ट ट्राइड टू प्ले माय ट्रिब्यूट टू देम एंड इट्स आई एम रियली हैप्पी दैट आई गॉट अ चांस टू डांस ऑन देयर सॉन्ग्स हाँ जी आई थिंक अ लॉट ऑफ देम एवरीवन एक का ना मैं नाम नहीं ले पाऊँगी मगर अ लॉट ऑफ देम और अब तो I mean, we're doing everything from direction to acting to camera to everything. So, I mean, we contribute majorly. हाँ मेरे पास पैसे नहीं है पर इट्स अ गुड फीलिंग क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप था और आई एम प्राउड ऑफ माई प्राइम मिनिस्टर दैट ही मैनेज टू डू इट दो तीन दिन लोगों को कुछ मुश्किल होगी मगर मुझे लगता है आगे जाके इसका बहुत फ़ायदा होगा हम सबको आई थिंक सुंदरता अंदर में अंदर से झलकती है और जो आप अंदर फील करते हो वो बाहर निकल के आता है तो मेरे ख्याल से आप जितना अंदर खुश हैं जितना आप अंदर हैप्पी फील करते हैं उतना यू लुक ब्यूटीफुल इट आई थिंक ब्यूटी इज इनसाइड आउट हाँ जी जी मैं एक कॉन्सर्ट की पार्ट थी जो कि कश्मीर के लिए फंड रेजर था
और उसके आगे मैं किसी चीज़ के पार्ट नहीं थी. आई फील आई मीन वो अमेरिका है, वी हैव टू रिस्पेक्ट द डिसीजन. वेयर इन इंडिया सो नो आई डिडंट मीट. मैं भारतीय हूँ, मैं मुझसे भारत के बारे में सवाल पूछ ले आप, आई कान टॉक अबाउट देम. सो या आपने पूछ लिया. शी लुक्स लाइक माई एल्डर सिस्टर, मगर आज से काफ़ी साल पहले उन्होंने मुझे जन्म दिया था. या शी इज वेरी इम्पैक्टफुल, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन आई एवर सीन इन माई लाइफ. Mom. My mother. Hello. She is the most beautiful woman in the world. That's why I was mesmerized. Yeah, इनसे school, ये school में मेरे school में पढ़ाती थी chemistry, और तो मेरे सारे classmates इनसे बहुत बड़ा crush था. और अभी भी जब मुझे बाहर मिलते हैं तो कहते हैं अच्छा आप नीजा मैम की बेटी हैं. सो या हाँ, मैं इनको ध्यान से इस्तेमाल के लेके जाऊँगी. Yes, you always have questions. How am I part of this evening? I did a film, so they invited me, so I came. No, I'm just attending today, and I'm really, honored that I have been a part. I think it's their first year, so for me, I feel like because it was also my debut. In many ways, I feel like it's both our first years today. Oh, so many. I think my childhood favorite has always been Madhuri Dixit for me. आई थिंक अगर ऑल राउंडर है, लाइक इफ देयर इज़ अ वर्ड ऑल राउंडर, तो फिर वो माधुरी दीक्षित है. शी इज़ ऑलवेज बिन, शी इज़ जस्ट सो ब्यूटिफुल. वो इतनी सुंदर है दैट यू नो इट्स समटाइम्स हार्ड टू बिलीव अ स्माइल, द वे शी डांसेस, द वे शी एक्ट. सो फॉर मी इट्स लाइक माधुरी दीक्षित. या थैंक यू. यस यस. I think it just helps, it kind of gives you a little bit of a boost. It makes you feel good. So anything that makes you feel good is very welcome. I think so. That's why it's very important. Yeah. It's always, good to be appreciated. Oh, I think बहुत अच्छा एक बहुत ही अच्छी चीज़ की है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, एंड आई थिंक आई सपोर्ट इट कम्प्लीटली. आई थिंक जो दिक्कत हो रही है अभी वो सिर्फ 2-3 दिन के लिए रहेगा और फिर वील बी बेटर, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई थिंक वी शुड ऑल बी वेरी प्राउड ऑफ आर प्राइम मिनिस्टर एंड सपोर्ट हिम, बिकॉज आई थिंक इससे सिर्फ प्रोग्रेस होने वाला है. दैट्स इट. नहीं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है. थैंक यू. Yes. Well, I'm looking forward to watching it, and Beauty Awards, so waiting to see who all are awarded for their beauty, and I think it's going to be an exciting show. I'm waiting for the performances as well. I just heard about the lineup, so. Mr. Shahrukh Khan is probably hosting and performing also. Yes. Big totally, I think he's always full of life and so entertaining.
He doesn't give us even a moment to blink or get bored every time he's performed or hosted. So I can't wait to watch. जी 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 आई थिंक उनका जो बाथटब का एड था वो बहुत ही मेमोरेबल है हम सब के लिए. आई थिंक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट था जब फर्स्ट टाइम टीवी पे आया था. वी वर ऑल लाइक व्हाट, वो डबल टेक हुआ सबका एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट थिंग. बट वो हर बार कुछ अलग करते हैं एंड ही इज नोन फॉर दैट. सो Yes. No, I didn't have any black money myself. It didn't. जी घर पे कुछ नहीं था. व्हाइट नहीं है, ब्लैक भी नहीं, दोनों नहीं है मेरे पास. तो मुझे कोई टेंशन नहीं है. बट आई हर्ड जिनके घर में बहुत सारे स्टैक्स हैं मनी के, उनको बहुत तकलीफ हुई होगी. पर आई थिंक बहुत ही ब्रेव डिसीशन जो आपने प्राइम मिनिस्टर ने लिया है. इट्स वेरी ब्रेव, बहुत फेयरलेस डिसीशन है. And it is going to shake us all up momentarily, but I think in the long run it's for the good. मुझे ऐसे लगता है, I really think so. मैं positive person हूँ तो मैं positive side देख के कह रही हूँ. Yes, I think so. I would like to believe so. And I think definitely, I think कुछ दिनों के लिए सब लोग हिल जाएंगे, but it's a very brave decision that he's taken. So thank you, thank you. Hi, good evening. Actually, मैं award functions में बहुत कम जाती हूँ. I can hardly see my award functions except a very couple of them. So definitely a lot of entertainment and celebrating women power and women beauty. What? I love you all. I love you three.
ओके थैंक्स. हाँ जी हेलो हाय. कैसे इधर डांट रहे हैं आप मुझे. गुड टू सी यू. ओके गुड रियली गुड टू सी ऑल ऑफ यू टू. व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग. आई एम एक्सपेक्टिंग ब्यूटीफुल वुमेन. आई वांट टू सी ऑल ऑफ देम टुगेदर दिस टाइम. आई थिंक दैट्स व्हाई दैट्स व्हाट मेक्स इट स्पेशल. एंड फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग दिस. आई मीन दिस इज द फर्स्ट अवार्ड फॉर मी इन द सीजन टू अटेंड. सो या देखते हैं. लेट्स होप इट्स अ गुड स्टार्ट. Yes, of course. I think Modi ji is influenced by the film. I would like to believe that. हाँ मतलब let's believe that ना. मतलब क्या जाता है अपना बोलने में. But good, at least people are noticing that also. मतलब मैंने नहीं बोला, आपने बोला. I know. But obviously हम लोग मतलब हो ना हो, हम लोग उस चीज़ की खुशी मनाना चाहेंगे ना. I hope इतना impact, मतलब जितना impact उसने दिया है पूरी कंट्री को, चेंज ऑफ करेंसी ने दिया है, उतनी फिल्म ने भी दिया हो, आई रियली होप. तो मैं मान लूँगी कि हमारी फिल्म की वजह से हुआ है. मैं सच्ची बोलूँ, आई एम सो लकी राइट नाउ दैट मैं शूट कर रही हूँ हर रोज़. सो 12-13 घंटे की शिफ्ट होती है, घर सिर्फ सोने जाने को मिलता है. तो अभी ऐसी हालत नहीं आई है कि मुझे जाके कुछ खरीदना पड़े. जब मेरा स्केड्यूल ख़त्म होगा तब पता चलेगा असल में. प्रॉब्लम्स तो होगा ऑब्वियसली, नो टू वेज अबाउट इट. बट आई थिंक इट शुड बी गुड फॉर द लॉन्गर रन. बट वो कितना लॉन्ग होता है रन, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन. सो एवरी टाइम वी से कि अच्छा समवेयर इट हैज़ टू स्टार्ट. सो एक तरह का एक्सपेरिमेंट है. आई डोंट नो इफ इट विल वर्क और नो, बट इट्स वर्थ गिविंग इट अ शॉट इज़ व्हाट आई फील. आई विल बी हैप्पी इफ आई डू. आई ऑल्सो हर्ड दैट. सो आई विल बी रियली हैप्पी इफ आई डू समथिंग डिफरेंट फॉर मी टू डू. आई वुडेंट से इट विल डिफाइन इफ आई एम अ गुड एक्टर और नो. ऐसा नहीं है मुझे अवार्ड नहीं मिलेंगे तो मेरे को ये लगेगा मैं अच्छी एक्टर नहीं हूँ, ऐसा नहीं होगा. एक तरह का वो लगता है कि ठीक है बाकी लोग भी मानते हैं कि यू आर गुड, ऐसा एक तरह का डिक्लेरेशन समझ लीजिए. और दे लुक रियली प्रिटी या इन द शेल्फ. सो ग्रेट जॉब, यू आर अ लिविंग एग्जाम्पल. हमने तो फिल्मों में एक्टिंग कर ली, ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे साथ. बट रियल हीरोज़ इस तरह की फिल्म के वो लोग हैं, क्योंकि इंस्पिरेशन उन लड़कियों से ही मिलती है ऐसा कुछ करने के लिए. मैंने सिर्फ एक तरह से रिप्रेजेंट कर लिया उनको. दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी. आई होप आई डन लिटिल जस्टिस टू दोज हु फील. ऐसा कोई मैंने टॉपिक एड्रेस किया जो उनके बिहाफ पे, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी. आई थिंक दे आर द रियल हीरोज़ हु आर स्टिल फाइटिंग. Confidence,
देखिए आपके लिए मेरी तीसरी फिल्म थी, वैसे मेरी ये 21वीं फिल्म थी, तो ये मेरे लिए एक तरह का, मतलब मैं पहले अप्स एंड डाउन्स देख चुकी हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया है. हाँ, हिंदी ऑडियंस हैज स्टार्टेड टेकिंग नोटिस ऑफ मी नाउ, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. अदरवाइज इन माय लाइफ, इन माय पर्सनल लाइफ और इन द वे आई सी एट फिल्म्स हैजंट चेंज्ड. या नाम शबाना, या अरे अभी निशान बड़ी मुश्किल से कवर करके आई हूँ, कल ही फाइट शूट करी है, तो मेरे हाथ बिल्कुल रेड एंड ब्लू हो रखे हैं इस टाइम पे. सो आई होप आप लोग प्लीज़ मेरी फाइट को अप्रिशिएट करना, और कुछ करो ना करो. थैंक यू, थैंक यू. Hi, good evening. बच्चा है तो क्यूट ही रहेगा ना, सेलिब्रेशन भी क्यूट रहेंगे ना. इज अ किड, दैट्स फन, अ लॉट ऑफ फन. थैंक यू वेरी मच. आज की शाम के बारे में बताना चाहेंगे, लाइक व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग विद द शाहरुख खान इज होस्टिंग एंड प्रॉब्ली इज द ओनली मैन इन द वुमेन सेट इन द कैटेगरीज. वेल, आई एक्चुअली जज द कैटेगरीज, सो मुझे सारे जितने भी नॉमिनीज है मुझे पता है, सो आई एम अवेयर ऑफ दैट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. एंड जैसे आपने कहा कि शाहरुख इज गोइंग टू बी देयर, आई एम ऑलवेज अ शाहरुख फैन, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. थैंक यू. Well, I hope all of it subsides in due course of time, and of course it has been done with an intention for the betterment of our country. Initially there will be thode bahut hiccups to rahenge, but I'm sure in due course of time sab settle ho jayega. Well, I'm sure every election has its effects on various nations, and India is no different. As a woman, I would have loved to have seen a woman in power. So I was definitely rooting for Hillary Clinton, but may the best win. And like you know the. Right.
हाँ जी प्रॉब्लम्स नहीं फेस कर रहे हैं क्योंकि अब हमेशा जो भी हम करते थे चेक्स और मैं प्लास्टिक कार्ड यूज़ करती थी सो आई एम वेरी हैप्पी वॉट एवर मोदी जी हैज़ डन इट्स ब्रिलियंट स्टेप आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स आई सेड आई डोंट थिंक सो एनीबडी हैज़ टेकन सच अ फैंटास्टिक स्टेप सो आई थिंक कुडोस टू मोदी जी यस Earlier also our daily shootings whatever we used to do it used to go in properly we still have everything noted with the checks and also we've not faced any problems I'm sure the middle class as you mentioned they might have a little problem initially but later on I think this will they will be aware and it'll help them now the realization for them is You know, they're talking, you know, I've seen such videos which is very hard-hitting and speaking rubbish about Modi. Initially, they will feel this, but if you see ahead, they're going to really appreciate whatever Modi ji has done. Yeah, he's a charming person, and he has been for many, many more years, and I'm so happy because our next film is with him. अभी फिलहाल 2017 में I'm doing something with Shahrukh, and Jan, I think we'll start the shoot. Yeah, thank you. Thank you everyone, thank you. Good to see you all. वेल एक्चुअली बहुत समय के बाद मैं एक अवार्ड फंक्शन अटेंड कर रही हूँ मुंबई में एंड मैंने हमेशा कहा है कि मुझे पर्टिकुलरली मीडिया के फंक्शंस अवार्ड फंक्शंस मुंबई में अटेंड करना बहुत पसंद है क्योंकि आई थिंक पूरी इंडस्ट्री साथ में आती है
एंड एक दूसरे को एनकरेज करती है एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. देर विल बी सक्सेसफुल फिल्म, देर विल बी नॉट सो सक्सेसफुल फिल्म, बट एट द एंड वी आर एन इंडस्ट्री एंड आई थिंक इट्स अ वेरी हैप्पी टाइम एंड वी मीट ईच अदर एंड वी बॉन्ड. आई थिंक दैट्स वॉट मेक्स द होल प्रोसेस फन. कहिए सर, कहिए. हाय. नहीं एक्चुअली दिस वॉज द बेस्ट आउटफिट दैट माई स्टाइलिस्ट गॉट मी. इट्स एज सिंपल एज दैट. आई थिंक फॉर मी रेड सिंबलाइजेज यू नो जस्ट लाइक हाउ द अवार्ड सेज रोज गोल्ड गोल्डन अवार्ड्स. सो इट्स परफेक्ट आई थिंक फॉर द इवेंट. हाउ स्वीट, थैंक यू. That's really sweet. Bhai, I think awards are very, they make you feel good. आपने जो effort डाला है, आप अपने अपने काम को जिस तरीके से you know करते हैं उसका एक उसको एक सहारने का एक दिन है, एक मौका है, एक memento है. So yeah, I think it's very very nice and it's lovely when people get awards and they feel good about it. सर आपके मुंह में घी शक्कर उतने उससे कहीं ज़्यादा कम है. आई होप सो. सी आई नो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ यू नो अ लॉट ऑफ द कॉमन मैन इज रियली फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन राइट नाउ. बट आई नो फॉर अ फैक्ट ये एक अच्छे कॉज के लिए है एंड इवेंचुअली दिस विल टर्न आउट टू बी द राइट थिंग टू डू. सो आई नो दैट इज़ डिफिकल्ट राइट नाउ, द मोमेंट इज़ वेरी टेंस, बट from the long run perspective it's the best thing that's happened to us. Well, I think all women love him and he is you know a star that goes beyond time, beyond everything. So I think unse behtar kaun. Sir mere पॉकेट में सिर्फ 20 रुपए का नोट था और एक 100 रुपए का नोट था, तो भाई मुझसे ज़्यादा ब्रिज इस वक्त पे कोई भी नहीं. यस दैट्स व्हाट आई फेल्ट, दैट्स व्हाट आई फील दैट इन द लॉन्ग रन इज़ द राइट थिंग एंड जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है. सो इट्स ग्रेट. आई थिंक ओवरऑल आई नो इट्स डिफिकल्ट राइट नाउ, बहुत से लोग बहुत सी मुश्किलों से गुजर रहे हैं इसकी वजह से. आई नो मीडिया में सुनती रहती हूँ बातें, बट वी हैव नो अदर वे. आई थिंक यू नो वी हैव टू स्टार्ट समवेयर. राइट. नो आई हैव नो क्लू, आई हैव नो क्लू. मुझे कुछ सुनने नहीं मिला, बट आई डोंट नो एज यू आर सेइंग आई गेस यू नो आई डोंट नो मे बी यू नो समथिंग आई डोंट. मुझे कुछ नहीं मालूम ऐसी बात. सब मोह माया है जी. सर मैं हूँ यहाँ पर जी. जी यस. यू नो आई थिंक मैं मेरा ये मैं इस दर्जे पे नहीं हूँ कि मैं उनको कुछ मैसेज दे पाऊँ, क्योंकि जो जिन हाथ जिस हादसे से वो गुजरी हैं शायद मैं उनकी पोजीशन कभी समझ नहीं पाऊँ. सो आई जस्ट फील लाइक जो लोग इस किस्म के हादसों से बाहर निकलते हैं और अपनी ज़िंदगी वापस से शुरू कर पाते हैं उनको सिर्फ एक सलाम दे सकती हूँ. और यू नो ऐसी ताकत भगवान ऐसे सभी इंसानों को दे बस. माई नेक्स्ट रिलीज आई विल कम इन हिंदी विल ऑफ कोर्स बी बाहुबली पार्ट टू. बट यस आई एम कॉन्स्टेंटली डूइंग साउथ इंडियन फिल्म्स. आई हैव बीन एक्टिवली इन द रीजनल फिल्म्स. सो या दैट्स वेयर आई डू अ लॉट ऑफ वर्क. हाउस नहीं मैं चाहती हूँ कि एक एक ऐसा वक्त होता है कि मुझे सिर्फ एयरपोर्ट पे सोने को मिलता है और यू नो मैं बहुत आधे तो टाइम नींद में होती हूँ एयरपोर्ट पे. बट यस आई ऑलवेज सी माई सी द फोटोग्राफर्स एंड उनको एक हाई तो ज़रूर बोलती हूँ. पक्का आप मैं कल एयरपोर्ट पे होने वाली हूँ और मैं आपके लिए तैयार होकर आने वाली हूँ. एकदम रेडी. हाँ जी.
इतने इतने ऐसे नेशनल मीडिया पे दे दिया मैंने टिप ऑफ, कल एयरपोर्ट पे होंगे. सॉरी हाँ जेट की फ्लाइट है. आदाब, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, सलाम. उम्मीदें तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, एंजॉय करने आया हूँ और बाकी देखूंगा, शोज देखूंगा. पहला शो है ये सीजन का, अब शुरू होगा स्क्रीन, स्टारडस्ट, फिल्म फेयर, बाकी के एंजॉय कर. कड़क लग रहा हूँ, अभी लॉन्ड्री से कपड़े आए ना इसीलिए पे. दादा, तू भी है? या खुदा, impactful ladies of the cinema has been most of them that I've grown up on, right from Nargis ji, Wahida ji, Meena Kumari ji, Sharmila Tagore ji, Asha Parekh ji. So all these ladies have been the pillars of our film industry. So it's not just one. इतने लोगों के साथ मैंने काम किया, मैं क्या बताऊं बेटे, एक रात का कब पड़ेगा, कभी अकेले में आ जाना, मैं बताऊंगा. हज़ार रुपया का छुट्टा तो नहीं मिला दोस्त, मगर कार्ड चला रहा हूं और बाकी कुछ पैसे हैं छुट्टे, वो यूज़ कर रहा हूं. एक अवार्ड्स, हर अवार्ड्स मायने रखती हैं सनी के, यही अवार्ड, जो भी अवार्ड हो, जिसको भी मिले, हर चीज़ का मायना होता है दोस्त. किस बात के, ये अवार्ड की बात कर रहे हैं कि पैसों की बात कर रहे हैं? बड़ो इकोनॉमी होता तो मैं आर्ट स्टूडेंट नहीं होता. जी जी हाँ जी हाँ, मैं हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. हाँ ले लें, खेलने देना उसको, खेलने दे. भगवान की कसम, मैं मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे लगता है जो कुछ हो रहा है वो सोच समझ के ही कर रहे होंगे लोग, बाकी मेरा इतना भेजा चलता तो शायद मैं कहीं और बैठता. मैं तो यही सोच देख रहा हूँ, अपने आसपास के जितने लोग हैं उनको थोड़ी बहुत तकलीफ होती रहती है, मगर कुछ डिसीशन है, कुछ सोच समझ के लिया होगा दोस्त. इतना बड़ा डिसीशन कंट्री में लेना, कुछ डीप थॉट होगा ना बाबा. अपन कुछ बोलेंगे, तू कुछ बोलेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है छोटे? हाँ बाबा, गहरी बात है. ये सुन तक क्या मावशी की चलो आता हूँ. गुड लक टू लक्स एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल यू गाइस. खा पी के जाना, ये टाइम लगेगा, 12 बजेंगे. बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पे.
वुमेन को बहुत अवार्ड प्रेजेंट किए जा रहे हैं एंड काफ़ी उनकी सराहना की जा रही है. सो आई एम रियली हैप्पी ये जो इनिशिएटिव है लक्स का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है एंड या आई एम ग्लैड कि आई कुड बी हियर. एक्सपेक्टेशंस जो परफॉर्मेंस है, लुकिंग फॉरवर्ड टू द परफॉर्मेंसेज एंड होस्टिंग करण सर एंड शाहरुख सर, अर्जुन, दे आर ऑल होस्टिंग द शो. सो वो भी काफ़ी फन होस्ट है एंड उनको देखने में मज़ा आएगा, सारे परफॉर्मेंसेज देखने में मज़ा आएगा. तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस है. सो या जी बोल. हाँ जी जी, वो तो अंदर जाके अभी आई थिंक ऑफ लेटली दीपिका पादुकोण, वो काफ़ी उनकी जो भी परफॉर्मेंसेज, जो भी फिल्में उन्होंने की हैं वो काफ़ी अच्छी की हैं एंड स्पेशली पीकू हुई, बाजीराव मस्तानी हुई. सो ये सारी फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंसेज बहुत ज़्यादा अच्छी थी. सो आई थिंक यार अगर कोई चूज करना पड़े ऑप्शन में तो शी इज़ द वन. जी जी जी, मैंने दिवाली बोनस कहा था, दिवाली का बोनस मिल गया. नहीं वो फन, हाँ तो उसके बारे में कुछ बताऊँ मैं आपको. जो दूसरी, जो पहली अभी मैं जिसका लंदन का स्केड्यूल ख़त्म करके आया हूँ वो है अतिथि इन लंदन एंड इसमें कृति खरबंदा है एंड परेश रावल जी हैं, तनवी आज़मी जी हैं. सो वो एक फिल्म मैं ऑलमोस्ट 80% कम्प्लीट कर दिए एंड कॉमेडी फिल्म है, तो वो एक फिल्म है. दूसरी फिल्म अभी रिसेंटली अनाउंस हुई थी जो कि टी सीरीज़ के साथ है एंड लव रंजन, जो कि लव सर प्यार का पंचनामा के डायरेक्टर हैं, वही डायरेक्ट कर रहे हैं एंड तो ये एक फिल्म अभी अनाउंस हुई है, वो स्टार्ट अगले मंथ तक होगी. मेरे को एक्टर्स हैं प्यार का पंचनामा के, को एक्टर्स हैं एक नुसरत भरूचा है एंड एक सनी सिंह है. तो ये अभी ये कास्ट है, उसके अलावा सारी डिटेल्स धीरे धीरे पता लगेंगी बट उसकी फ़ोटोज़ में कुछ क्लिक नहीं कर पाया. मैं अतिथि लंदन में बहुत शूट के दौरान की थी क्लिक, तो वो आपने देखी होंगी क्या? पक्का पक्का पक्का. नहीं वो सेल्फी नहीं डाल पाया मैं. मेरे पास ज़्यादा इतने पैसे हैं नहीं, तो वाइट मनी है जितना तो ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैं सेटल्ड हूँ. हाँ आई थिंक इट इज़ सबका. आई थिंक लोग ज़्यादा सतर्क रहेंगे, लोग ज़्यादा जितना क्लीन मनी रहेगा उतना ही बेटर है हमारे देश के लिए. सो इट्स अ राइट मूव. थोड़ी परेशानी, आई थिंक इतना बड़ा स्टेप लिया है तो थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट जितना इन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और हर जगह जहाँ जहाँ परेशानियाँ ज़्यादा हो सकती थी वहाँ पे डेट्स ज़्यादा बढ़ा के रखी है, वहाँ पे पैसे यूज़ हो पा रहे हैं. तो आई थिंक इतना नज़र में रखा है गवर्नमेंट ने एंड इतनी परेशानी है, लेकिन वो क्योंकि स्टेप बहुत जल्दी लिया गया, बहुत बड़ा स्टेप था. आप ऐसा किया गया मैंने? अच्छा मुझे नहीं, मुझे मालूम है. अच्छा जी जी, अवार्ड्स भी मैं, आप इतने सवाल पूछ रहे हो, वो चली गई. नहीं अवार्ड्स भी बहुत वैल्यूएबल है एंड मायने रखते हैं हम एक्टर्स के लिए. आई थिंक एक्टर्स ही नहीं, सब टेक्नीशियंस के लिए भी काफ़ी मायने लगते हैं. हमारी जितने भी हम लोग एक्टिंग करते हैं, हमारे प्रोफेशन में जितना भी चीज़ें करते हैं उसको एंड ऑफ द ईयर सराहा जाता है. सो आई एम रियली हैप्पी कि ये अवार्ड शोज होते हैं और इतने सारे होते हैं, तो हाँ जीतने में मज़ा ही आता है. ओके थैंक यू सो मच. लेफ्ट साइड मैम, आई एम हियर.
Thank you. How are you feeling? I'm fine. Feeling very nice. Happy to be here. He started. Thank you. What are you expecting from tonight? You have been part of it. Just tell us about it. Well, I think they are felicitating all the Lux ladies and इतने सालों का एसोसिएशन रहा है लक्स के साथ आई थिंक द ग्रेटेस्ट थिंग इज़ दैट माई मदर वॉज ऑल्सो अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर लक्स माई सिस्टर ऑल्सो एंड मी ऑल्सो एंड माई मदर इन लॉ तो आई थिंक द होल फैमिली हैज़ बिन पार्ट ऑफ द लक्स फैमिली एंड दैट्स वाई आई थिंक आई मेड दिस एफर्ट टू बी हियर टुनाइट वेल आई थिंक लक्स हैज़ अ लॉट ऑफ कलर्स रेड पिंक बट या आई थिंक एवरीबडी विल बी इन रेड एंड पिंक टुनाइट Yeah. Well, I think women, girls, women, aunties, they all love Shah Rukh. So I think he's the perfect brand ambassador for Lux. और मैंने भी एक ad किया था एक bathtub में जब Shah Rukh bathtub में थे and we were all around him. So I think he's the perfect brand ambassador. नहीं आप किसी को पूछने नहीं देते हो आई थिंक पिक्चर की सक्सेस एक अच्छी कहानी और रिवॉर्ड्स मायने रखते हैं मेरे पास सिर्फ 2000 के नोट है 500 और 1000 नहीं है आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप आई थिंक लक्स का अवार्ड है तो डेफिनेटली ब्यूटी स्किन ऑल दिस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड इट्स वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स इन इंडिया सो आई थिंक दैट इट्स गोइंग टू बी ऑल द ब्यूटिफुल वुमेन विल बी ऑन स्टेज बोल महिलाओं की बात हो रही है क्योंकि लड़कियों की बात हो रही है बहुत सी ऐसी महिलाएं ऐसी लड़की हैं ऐसे लड़के हुआ उसके बाद वो लड़के सामने आई हैं फाइटर बनी हैं उन महिलाओं को जिन्होंने इतनी इतनी ताकत इतनी शक्ति दिखाई उनके लिए क्या कहना है नहीं आई थिंक जो शक्ति महिला में है विमेन में है आई थिंक वो किसी चीज़ में नहीं है इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हम भगवान को भी माता ही कह के बुलाते हैं क्योंकि लड़कियों में ही ऐसी शक्ति है एक दूसरे जन्म जो हम दूसरे सोल को भी जन्म देते हैं आई थिंक वो एक औरत ही है तो देयर इज़ नो वन स्ट्रॉन्गर देन अ वुमेन कहाँ 19 की बात होगी अभी क्या आई डोंट नो अबाउट ग्लोबल सिटीजन हां और एक लास्ट लास्ट दिसंबर नहीं दिसंबर की तस्वीर अरे भाई जी नहीं 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 मुझे पता है आप क्या पूछोगे हाउ यू
Good evening. Happy to see everybody after a very long time. जी मैंने बस सोचा क्यों नहीं, ये ब्लू तो है यहाँ पे कहीं उसके लिए मैचिंग के लिए. ओ सी बट ब्लू लुक्स नाइस अगेंस्ट रेड ना. I think it's going to be fun. Lux is synonymous with beauty, and uske liye ek award kiya ja raha hai, and to award iconic Bollywood beauties, characters, etc. I think it's a great idea, and I'm happy to be here today. I'm also performing, so that's going to be fun. Yeah, and I'm looking forward to the other performances. क्यों? अरे क्या अभी हवा चल रही है, क्या हो सकता है उसका? कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई उपाय नहीं है. यू नो आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई सेल्फ बिकॉज आई हैव अ कार्ड, अ क्रेडिट कार्ड, आई मीन एन अ डेबिट कार्ड. बट आई नो दैट देर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट. And I think people who rely on, you know, money every day, vegetable vendors, house help, etc., etc., I think it's really hard for them. मैंने जो भी अपने पास था सब बांट दिया है actually, और मैं अभी कार्ड से गुजारा कर रही हूँ, which is what I think everybody wants. But at least I've distributed whatever I had, because I couldn't bear to see everybody looking so stressed out around me. So yeah. जी नहीं, लाइक आई सेड मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट आई नो कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत सारे लोग हैं, एंड स्पेशली इन स्मॉल टाउन्स, इन विलेजेस, आई एम श्योर उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है. आई एम वॉचिंग द लाइन्स आउटसाइड. आई नो द मूव इज़ वेरी गुड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर कंट्री. देर इज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, बट I know that a lot of people are facing a lot of difficulty, so I'm trying to help as much as I can, but I only have मतलब आई थिंक जस्ट टू वॉच देम एंड हाउ दे सॉर्ट ऑफ लिव लाइफ विद सो मच कॉन्फिडेंस एंड सो मच लव एंड जस्ट एक यू नो दिस लव फॉर लाइफ दैट दे हैव एंड आई थिंक इट्स वेरी एडमिरेबल. मैं उनको क्या बोलूँगी, आई एक्चुअली एम इंस्पायर्ड बाई देम एंड हाउ दे लीड देयर लाइव्स एंड ऑल्सो द पीपल हु डू स्टफ लाइक दिस. आई डोंट इवन नो, आई can't even imagine that in this day and age these things are still happening. It's the most disgusting thing. Okay, Aditi, jaise aapne kaha ki wo log jo gaon mein rehte hain unke liye yakeenan bahut pareshani hoti hai jab paise ki baat karte hain, is tarah ke maamle karte hain. Aapko lagta hai bahut short period mein kara gaya, bahut aanand maan mein liya gaya faisla hai? Actually, you know, मेरे को इस पे comment नहीं करना है, because the thing is मैं जो भी बोलूँगी anyway वो change नहीं होगा. I think what we should do now is to try and see how we can help the people around us. I think that is the more important thing. What is done is done. I think moving forward we have to see what steps we can take to ease everybody's problems. And जैसे मैंने बोला, मुझे और I think बहुत सारे जो जिन लोगों को मैं जानती हूँ मे बी उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट आई नो देर आर लॉट ऑफ पीपल इन माई लाइफ जिनको हो रही है. तो हम इफ़ ईच ऑफ आस हेल्प्स आई थिंक इट विल टाइड ओवर दिस टाइम एंड देन इट विल बी बैक टू नॉर्मल. हाँ हेक्टिक सवाल. हाँ जी बता दूँ, बता सकती हूँ. अच्छा नहीं ना, आई डोंट नो, सी देन दे विल स्कोल्ड मी. ओके आई विल टेल यू दिस मच दैट द परफॉर्मेंस दैट आई एम डूइंग इज लाइक इट्स अ बिग प्रिविलेज टू डू इट, बिकॉज आई थिंक एवरी गर्ल स्पेशली अ डांसर ड्रीम्स ऑफ डूइंग सॉन्ग्स लाइक दैट. आजकल ऐसे गाने बनते नहीं हैं, आजकल इतने ब्यूटिफुल
लोग होते भी नहीं हैं. आई डोंट नो व्हाट इट इज़ अबाउट द पीपल ऑफ दैट टाइम. दे वाज सो स्टनिंग. दे आर टाइमलेसली ब्यूटिफुल. टू एम्यूलेट देम, टू डू देयर सॉन्ग्स, टू परफॉर्म टू देयर सॉन्ग्स, टू इट्स लाइक अ वे यू नो ऑफ रिस्पेक्टिंग देम एंड टू सॉर्ट ऑफ कीप देम अलाइव इन आवर हार्ट्स फॉर एवर. And it's very special, very tough, but very special. So I'm going to leave it at that. I'm not going to tell you what exactly I'm doing, but it's obviously retro and very exciting and tough. Okay, you'll be performing on Jindagi number, Madhuri Dixit number, Dina Taman number. I think bahut maine rakhta hai agar award asli award ho. Oh God, I'm going to get into trouble. नहीं, अवार्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो दे गिव यू एनकरेजमेंट टू कीप डूइंग द वर्क दैट यू डू. एंड आई थिंक फॉर एक्टर्स लव एंड अप्रिसिएशन फॉर एनी आर्टिस्ट स्पेशली अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो लव और अप्रिसिएशन मिलता है दैट यू नो गिव्स यू दैट थिंग टू अच्छा मैं और आई वॉन्ट टू डू मोर एंड टू कीप लाइक पुशिंग योर बाउंड्रीज टू कीप बेटरिंग योर सेल्फ टू कीप चैलेंजिंग योर सेल्फ. या आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज. अब मैं भागूँ? हाँ ओके okay. हाँ प्लीज थैंक्स. मैं भागूँ? अब मैं सारा आंसर कर दिया है ऑलमोस्ट. Well, it's extremely honored to be a part of this brand, and it's a lovely experience working with all those beautiful ladies, and of course with Shahrukh too. Well, it's very, very difficult to mention one person because I feel all of them are beautiful, very talented, and that's it. Shahrukh Khan was part of like the only actor who was part of the brand as a precisely worked for women. Yeah, of course I remember. Yeah, I remember that. Well, the ad itself, it's a beautiful memory to remember. It's something very different and very very different from other ads. So we really enjoyed shooting for that. And there are many more to come. And of course, there, as I said before, I can't just name one person. They're all of them are beautiful. No. Thank you. I'm with them. Hello.
कैसे हैं आप? आई एम ऑलवेज हैप्पी, इट्स ऑलवेज अ हैप्पी इवनिंग फॉर मी. थैंक यू. Yeah, I don't know. I'm just in love with the. It's a bloody red, and I think rose petals, lux rose petals, red. It's all in sync. Maybe. Yes, I have finally. Yes, I did. I had a bad bout actually, of a neck injury after I got out of Jhalak. And then got into malaria, so I'm feeling fit, healthy, and very very good. Thodi si thi because us time pe aisa sa, maybe it was setting in that time, but yeah. Ek naam nahi hai. I think har wo एक्टर, हर एक फीमेल एक्टर जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार निभाए हैं, नॉट जस्ट ऑन स्क्रीन लेकिन ऑफ स्क्रीन सोसाइटी में हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ छोटा कंट्रीब्यूट करते हैं. सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन आई थिंक एज वुमेन इज टू बी एबल टू बी आवरसेल्व्स. दैट्स द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन वी कैन मेक टू सोसाइटी एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ वुमेन हैव डन दैट इन दिस पास्ट ईयर. आई विल लाइक टू नेम, आई एम वेरी proud to actually associate myself with Parched, the film, and I feel very happy ki starting from Leena to Tanishtha to Radhika, I think all of them, Radhika ki film Phobia aayi thi, so I just feel very very happy, you know, that women are coming out and doing this kind of work. So mere liye ye bahut bahut badi baat hai ki main aisi film ke sath aur aise logo ke sath jud paayi. जी सॉरी. आई थिंक उनके लिए क्योंकि वो बहुत उस चीज़ को सरमाउंट करके खुद एक अपनी उसी इंडिविजुअलिटी के साथ बाहर आए हैं, ये हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग बात है. तो आई थिंक हमको अपनी छोटी छोटी डे टू डे चीज़ों में जहाँ पे हम लोग इनसिक्योर फील करते हैं, टू कम आउट इन दी ओपन एज हु वी आर एंड इन आर ओन सर्कमस्टेंसेज, आई थिंक वी नीड टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम फॉर बीइंग एबल टू कम आउट लाइक दैट. प्रॉब्लम सब खत्म है. देयर इज पीस एवरीवेयर. इवन इफ यू हैव द मनी यू कांट स्पेंड इट. इससे रेस्ट एंड पीस की बात क्या हो सकती है? I think in the long run, yes, definitely, and I'm all for supporting this. I think there's a lot lying in dumps, and it's a cleanliness drive. Jaise Swachh Bharat actually ab swachh hoga. So yes, definitely, yes. बहुत बहुत मायने रखता है. हम लोग अपने लिए और अपने से ज़्यादा अपने ऑडियंसिस के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए काम करते हैं, और एक उस चीज़ का वैलिडेशन, अप्रिसिएशन, रिकग्निशन और एक्नॉलेजमेंट बहुत बहुत ज़रूरी होता है. तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हु डजंट लाइक टू बैग अवार्ड्स. या मैंने अभी एक्चुअली कुछ साइन नहीं किया है आफ्टर Parched, बट एज एंड व्हेन आई साइन, आई थिंक आई हैव, मैंने खुद पे अपने आप पे बहुत प्रेशर डाल लिया है एक्चुअली टू बी एबल टू मीट माई ओन स्टैंडर्ड्स. टू बी एबल टू, बहुत प्रेशर है यार यहाँ पे. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द प्रेशर जो मैं अपने आप खुद फील करती हूँ, जो मैं डील कर रही हूँ कि मैं अपने आप पे बहुत प्रेशर डाली और मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए. बट yeah, it's easier said than done. Maybe I feel the pressure brings out the best in me, and I will be able to pick up the right project very very soon in the coming future, and aap sabko pata lag jayega. Ji, coming to you now. I'm open to all kinds of roles. I don't want to put myself in a box. और मैं एक कलाकार के लिए एक्चुअली सही माने में हर तरीके का किरदार, अपनी पिछले किरदार या अपने पिछले काम से हटकर कुछ अलग करना, आई थिंक दैट्स व्हाट एन आर्टिस्ट इज मेड ऑफ एंड शुड बी व्यूड लाइक दैट. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू.
Sorry? हाँ अभी के लिए ना इट्स टू मच ना. ओके गाइस सो आई एम टेकिंग अ ब्रेक अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम. यू वांट मी टू कम अवे फ्रॉम द पोडियम एंड गिव इट. Thank you so much.